हाथ में बैनर पोस्टर लेकर सड़कों पर उतरे ये अभिभावक किसी स्कूली प्रशासन के खिलाफ नहीं बल्कि दिल्ली के जाने माने स्कूल डीपीएस के समर्थन में खड़े हुए हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। दरअसल बीते दिनों दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग को कुछ अभिभावकों की तरफ से शिकायत मिली थी कि रोहिणी में बना दिल्ली पब्लिक स्कूल मनमाने ढंग से फीस में बढ़ोतरी कर रहा है, जिस पर कार्रवाई करते हुए दिल्ली डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन ने स्कूल की मान्यता रद्द करने का फरमान जारी कर दिया। डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की तरफ से कहा गया कि स्कूल को फीस बढ़ाने से पहले शिक्षा विभाग से अनुमति लेनी होगी। ये स्कूल डीडीए की जमीन पर बना है और ये जमीन इसी शर्त पर दी गई थी कि जब भी फीस बढ़ेगी तो इसके लिए स्कूल को शिक्षा विभाग से अनुमति लेनी होगी। हालांकि ऐसा नहीं हुआ, इसलिए स्कूल की मान्यता रद्द कर दी गई। डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की तरफ से जारी नोटिस में कहा गया कि इन सब का असर बच्चों की पढ़ाई पर नहीं पड़ेगा। 2022-23 सत्र में छात्रों पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन स्कूल को 2023-24 शैक्षणिक सत्र में किसी भी छात्र का प्रवेश लेने से मना किया गया है। लेकिन अब दिल्ली शिक्षा विभाग के फैसले से नाकुश पेरेंट्स सड़कों पर उतर आए हैं। उनका मानना है कि डीपीएस की मान्यता रद्द करने के इस फैसले का असर सीधे तौर पर उनके बच्चों की पढ़ाई पर पड़ रहा है और उनका भविष्य अधर में लटक गया है। आप लोग चाहते हैं स्कूल बंद ना हो, लेकिन एजुकेशन डिपार्टमेंट स्कूल को बंद करने की बात कह रहा है और आप लोग कह रहे हैं अगर स्कूल बंद हो जाता तो बच्चों का फ्यूचर अंधकार में हो जाएगा, तो क्या कहना है? हम सबका यहाँ पे यही कहना है कि एक बहुत आसान सा वो नहीं होता मुद्दा कि एकदम से उठाया और स्कूल बंद कर दिया। इसके अंदर हजारों बच्चे हैं, वो हजारों बच्चे कहाँ जाएंगे? अगर किसी ब्रांच पे, वो उन्होंने कहा ऑर्डर भी ये लिखा था कि किसी ब्रांच में शिफ्ट कर दिए जाएंगे या कुछ गवर्नमेंट स्कूल में जाएगा। अगर मुझे गवर्नमेंट स्कूल में ही डालना था बच्चों को तो मैं यहाँ नहीं लेके आती। और हम कमाते किसके लिए? अपने बच्चों के लिए, है ना? हम अगर इकट्ठा करते हैं पाई पाई तो उनके फ्यूचर के लिए। अगर हमें यहाँ के लोकेशन में सबसे अच्छा स्कूल जो लगा होगा तभी हमने यहाँ डाला है, और यहाँ बंद करने की मांग कर रहे हैं। इसे मतलब गवर्नमेंट ने तो ऐसे ऑर्डर पास कर दिया, लेकिन क्या नोटिस भेजा? हम सबको पहले बताया इसके बारे में? आज सभी अभिभावक स्कूल के आगे खड़े हैं, क्या मुद्दा है और क्या समस्याएं लेकर आप स्कूल के आगे? मेरी कोई कंप्लेन नहीं है स्कूल से। मैं स्कूल का एक बहुत ही अच्छा पहलू भी दिखाना चाहती हूँ उन पेरेंट्स को जिनको लगता है कि फीस बढ़ी है। स्कूल, मेरा बेटा 10th में पढ़ता है, रिवांश, एंड ही इज़ अ स्पेशल नीड चाइल्ड, और स्कूल ने आउट ऑफ वे जाके सपोर्ट किया है एंड दे हैव बीन वेरी कंसिडरेट। उन्होंने फीस माफ़ कर दी है 3 साल की, एंड 2019 से रिवांश स्कूल नहीं आता रेगुलरली, एंड उन्होंने पूरा सपोर्ट दिया है। द प्रिंसिपल मैम, द टीचर्स एंड स्टाफ, एवरीबडी हैज सपोर्टेड माई चाइल्ड, एंड सो आई एम हियर टू सपोर्ट माई स्कूल विच इज़ सेकेंड होम फॉर रिवांश एंड मी। तो समस्याएं कहाँ हैं? समस्याएं, हाँ, किस विषय को लेकर आप स्कूल के आगे? मैं सपोर्ट में खड़ी हूँ स्कूल के। तो क्या मांगे क्या है किस चीज़ को लेकर? मैं कि जो भी है, जिनको भी लगता है कि फीस बढ़ी हुई है या जो भी है, DOE एंड स्कूल अथॉरिटीज साथ में बैठ के एक मिडिल वे निकालें। अभी हम ये चाहते हैं कि इस चीज़ को लेकर डिसीजन लें। ये जो कह रहे हैं कि स्कूल बॉन्ड कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं सारी ब्रांचें, तो हम अपने बच्चों को कहाँ लेके जाएं? मतलब क्या फ्यूचर ख़राब है हमारे बेटे का, क्या करें हम, ये बताओ। इस चीज़ को लेके कोई डिसीजन लें। बच्चे को किसी और स्कूल में नहीं करवाऊंगी, जैसे इन लोगों ने बोला है कि हम किसी भी DPS में भेज देंगे। मैं रोहिणी में रहती हूँ, और क्या मैं अपने बच्चे को DPS RKpuram या मथुरा रोड भेजूंगी? और क्या वो दिल्ली सरकार के नॉर्म्स के अगेंस्ट नहीं है अंडर 5 किलोमीटर रेडियस के? तब कहाँ पे जाएंगे इनके रूल्स एंड रेगुलेशंस? हमें स्कूल बंद नहीं करना है, और ऐसा कोई भी मुद्दा नहीं होता जो बैठ के सुलझाया ना जा सके। आप अंदर जाकर अभी आप प्रिंसिपल से मिल के आए जी, क्या जवाब हुआ, क्या जवाब मिला? सर, प्रिंसिपल ने हमें यही बताया है कि हाई कोर्ट की तरफ से प्रिंसिपल के पास, स्कूल के पास लेजिटिमेट ऑर्डर है, जो फी स्ट्रक्चर वो चार्ज कर रहा है उसके अप्रूवल का लेजिटिमेट ऑर्डर है। DOE ने उस ऑर्डर को भी ध्यान में नहीं रखा है। तो हमारी इस समय सिर्फ दिल्ली सरकार से, DOE से, सभी से यही प्रार्थना है कि बच्चों का फ्यूचर मत बर्बाद कीजिए। सब लोग एक साथ बैठेंगे, पेरेंट रिप्रेजेंटेटिव्स को भी बिठाइए, हम साथ बैठने को तैयार हैं, स्कूल बैठने को तैयार है। आपने सीधा ही बंद करने का ऑर्डर दे दिया, आप कम से कम बैठिए, किसी कॉमन कंसेंसस पे आइए। ये कोई तरीका नहीं है कि 2500 बच्चों को सीधा आप सड़क पे निकाल दो। तो आपने देखा, अभिभावकों का साफ तौर पर ये कहना है कि स्कूल को बंद करने के आदेश की बजाय अगर मनमानी करने से रोका जाता
और जुर्माना लगाया जाता तो बच्चों का भविष्य भी संकट में ना होता। लेकिन सीधे सीधे स्कूल को बंद कर देना कहीं ना कहीं बच्चों की पढ़ाई और जिंदगी से खिलवाड़ जैसा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें पैंकर न्यूज़ को।